ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भाजपा नेता बृजेश सिंह को शुक्रवार की देर रात अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब वे गांव के बाहर स्थित कार्यालय से फार्म हाउस के पास पहुंचे थे। बदमाशों ने भाजपा नेता के सिर, सीने और पेट में 3 गोलियां मारी हैं, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। उनकी संख्या 3 बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद SSP दिनेश कुमार पी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मृतक के परिजनों और फार्म हाउस पर काम करने वाले नौकरों से भी पूछताछ की है। हैरत की बात यह है कि घटना के ठीक पहले ही फार्म हाउस पर लगे CCTV कैमरे को बंद कर दिया गया था, जबकि कैमरा हमेशा ऑन रहता था। इस संबंध में SSP दिनेश कुमार पी ने कहा कि परिजनों ने 4 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें से 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, सीतावी देवी हीरागंज। हम एक घर में सुतल लाली है, हमार नतनी डिलीवरी बा, कोई दर्द बा, तू है कहत या ए नानी कहत है कहत कहत या देख कान के पड़ाकी फोड़ता कर देहर न फोड़ा। आ हम यही निकली है पीपर लगी, यही से बाबू आगे ना बढ़ ली है, वो दोनों बत्ती ना बढ़ता है, ये दोनों बत्ती है, वो बत्ती ना बढ़ता है। अब गोली चला ला तब हम गैली हर कहत है कान कैसन मनाई वही गोली चलाना है। तब यार काजनी बाबू हम ही नहीं है, से हम चिन्ह थे के कर गोली। तीन लोग रहना वहीं से भगना, हम यही से देखत नाइन है। तैयार उठिया दोपहिया रहा है, दोपहिया रहा है, 10 बजत रहा हुई, 10 बजत रहा हुई, मैं सुत गई लाली घर में। अब हम लगे ना गयी, हम तहे हर भाग गई। आए गाँव में कमाने दौड़ने हम आई कह ली है। गाँव नारायणपुर में पूर्व प्रधान बृजेश सिंह चना फ्लेट गुप्तेश्वर सिंह की अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है। हम लोग मौके पर हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है 3 लोग अज्ञात लोग थे, इनको गोली मारे हैं। मौके से 315 बोर की कट्टे की कारतूस यानी MT कार्ट्रिजेस बरामद हुआ है। गांव वालों से बातचीत करके, परिवार वालों से बातचीत करने पे जमीनी या अन्य जो विवाद भी होने का संभावना बता रहे हैं। हर एंगल में हम लोग विवेचना कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसको खुलासा किया जाए। ये लगभग 11 बजे के आसपास की घटना है। संख्या एग्जैक्टली क्लियरली लोग नहीं बता पा रहे हैं। अभी मौके पर 2 काली कारतूस मिली है। देखिए उसमें गुलरिया के नारायणपुर गांव में पूर्व प्रधान की हत्या हुई है, जिसमें तमाम एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। परिवार वालों के द्वारा 4 लोगों का नामजद एवं 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। तीनों को हिरासत में लेके पूछताछ जारी है, कड़ी से कड़ी जोड़ के देखा जा रहा है। और इनकी अन्य जो डायरेक्ट एविडेंसेस की कंगाल रहे हैं, करोबरेटरी एविडेंस समय साक्ष्य का भी हम लोग पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी और अज्ञात लोग
और भी एंगल हो, जमीनी, राजनीतिक और भी अन्य जो एंगल हो उसके संबंध में गहराई से पूछताछ और जानकारी ली जा रही है। हम लोगों का टीम लगातार मेहनत कर रहे हैं और जल्दी सफलता मिलेगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, साक्ष्य के बिना हम कोई बता नहीं सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर जो तथ्य आएगा वो आपको अवगत करा देंगे। सीसीटीवी जरूर पता चल पाया था? देखिए, 7:30 के बाद सीसीटीवी बंद हुआ है, वो किन परिस्थितियों में बंद हुआ है ये देखने लायक विषय है। जहाँ घटनास्थल है वो उनके बिल्कुल अपोजिट में उन्हीं के घर है, उनके घर के सीसीटीवी 7:30 के बाद बंद हुआ है, वो किन परिस्थितियों में किसने कैसे बंद किया, किसके कहने पे बंद किया, ये सब जांच के विषय है।